खाने के वीडियोस तो मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो बिरयानी के साथ जो ग्रेवी सर्व होता है, वो टेस्टी ग्रेवी किस तरीके से बनाया जाता है और उसका क्या क्या प्रोसेस रहता है, मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारा कांदा ले लिया गया है, उसमें हल्दी, जीरा, तेज़पत्ता एक पतीले के अंदर लिया गया है। अभी उसमें पानी डाल के उबाला जाएगा। अभी सबसे पहले इसको उबाल लिया जा रहा है और इसको उबालने के बाद एक मिक्सर के अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स करा जाएगा, पीसा जाएगा ग्लेंडर के अंदर डाल के। अभी ये ग्लेंडर चालू किया गया है, अभी इसको मिक्स होगा अच्छे से। जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा तब तक इसका टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा। बहुत लोगों को तो बिरयानी से अच्छा उसका ग्रेवी लगता है, तो ये ग्रेवी जो है बहुत बढ़िया रहता है, बहुत टेस्टी रहता है खाने को। तो अभी सब अच्छे से पीस लिया गया है। अभी एक बड़ा सा पतीला लिया गया है और गैस को चालू कर दिया। अभी गैस चालू करने के बाद बड़ा सा पतीले के अंदर 1 लीटर ऑयल डाला जा रहा है। ऑयल अच्छे से इसको निकाल लेंगे पतीले के अंदर। अभी थोड़ा सा तेल गर्म होने के बाद इसमें डाला जाएगा जीरा, तेज़पत्ता, मिर्ची, तीनों अच्छे से तेल के अंदर डाला जाएगा। अभी तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला जाएगा। तो अदरक लहसुन को थोड़ा पकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो अभी देख सकते हो पलटे की मदद से इसको अच्छे से हिलाया जा रहा है। अभी इस तरीके से पलटे की मदद से अदरक लहसुन पेस्ट को अच्छे से पकाया जाएगा। आप लोग देख सकते हो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो अच्छे तरीके से पक गया है। अभी इसके अंदर हमने जो मिक्सर किया था वो इसके अंदर डाला जाएगा। अभी अदरक लहसुन के ऊपर ये अपना जो ऑनियन का मिक्सर है ये डाला जा रहा है। अभी इसको अच्छे से निकाल लेंगे। निकालने के बाद पलटे की मदद से इसको चलाया जा रहा, पलटा थोड़ी देर और चलाया जाएगा। अभी उसमें जो अपना मसाला है, अभी पहले सबसे पहले हल्दी पाउडर और उसके बाद मिर्ची पाउडर, उसके बाद चिकन मसाला और ये जा रहा है तंदूरी मसाला और ये अपना पिसरम मसाला और इसके बाद अभी धनिया पाउडर। इसमें जो है ना बहुत सारे मसाला डाला जाता है, इस वजह से इसका जो टेस्ट है बहुत एक नंबर लगता है। अभी इसमें कांदा मसाला डाला जा रहा है, अभी गोड़ा मसाला भी डाला जाएगा, जो काला मसाला बोलते वही है गोड़ा मसाला। अभी इसके बाद इसमें किचन किंग मसाला डाला जा रहा है और लास्ट में नमक डाला जाएगा। एक नमक डाल के मिक्स करा जाएगा इसको। आप लोग देख सकते हो इसको पलटे की मदद से अभी अच्छे से मिक्स करा जाएगा। पलटे की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करा जा रहा है। अभी थोड़ी देर इसको ऐसे ही मिक्स करा जाएगा, कम से कम 5 मिनट अच्छे से मिक्स होने के बाद। और इसमें डाला जाएगा पानी, पानी डाला जाएगा बहुत सारा, इसमें पानी जाएगा, ये पूरा पतीला भर के पानी डाला जाएगा। अभी देख सकते हो पूरा पानी से भर दिया गया है इसको। अभी इसको थोड़ी देर छोड़ दिया जाएगा गैस फास्ट करके कि अच्छे से पकता रहे। अभी गैस को फास्ट कर दिया जाएगा फुल स्पीड में। अभी इसको पकने के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ दिया जाएगा। अभी देख सकते हो आप लोग कि इसका उबाल आ चुका है, अभी अच्छे से पक चुका है थोड़ी देर। अभी और थोड़ी देर पकेगा ये, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अभी पलटे की मदद से इसको थोड़ी देर हिलाया जाएगा और थोड़ी देर स्लो फ्लेम में अभी इसको पकाया जाएगा। आप लोग देख सकते हो हमारा जो बिरयानी का ग्रेवी हो बनके रेडी हो चुका है। अभी इसको सर्व करने का टाइम है। अभी इसको देख सकते हो कितना अच्छे से तैरी आया है। बहुत लोगों को बिरयानी से अच्छा ये ग्रेवी लगता है। आपने बिरयानी के साथ ये ग्रेवी ट्राई किया है तो मुझे कमेंट करना और वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करना।